बनाने जा रही हूँ अपने किचन में, बहुत मज़ेदार सी चिकन निहारी। ये मैंने चिकन ली है, 1 kg ये मैंने चिकन ली है, देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने प्याज ली है 2 बड़ी, और ये मैंने निहारी मसाला लिया है। इसकी रेसिपी अगर आप लोग मांगेंगे तो ये मैं शेयर कर दूंगी आपसे। ये मैंने 1 कप के करीब मैंने ये दही लिया है, 1 कप मैंने ये ऑयल लिया है, मैदा लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच, आप लोग आटा भी ले सकते हैं, मैंने मैदा लिया है। ये मैंने ड्राई मसाले लिए हैं, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच, और ये मैंने गार्निशिंग के लिया है, गार्निशिंग के लिए लिया है मैंने 5 हरी मिर्चें बड़ी, हरा धनिया होगा 2 से 3 चम्मच, ये 2 चम्मच अदरक है, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, 3 मैंने नींबू लिए हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पानी ड्राई करते हैं, इसका पानी है अभी पैन में। ये मैं 1 कप के करीब ऑयल डाल दूंगी इसके अंदर। प्याज शामिल करूंगी इसके अंदर, 2 बड़ी मैंने प्याज ली थी। मेरा कप छोटा है, मैंने और लिया है 1/2 कप ऑयल। इसको फ्राई करूंगी मैं, फ्राई करने के बाद इसको दही के साथ में चॉप कर लूंगी, यानी कि पेस्ट बना लूंगी मैं, और थोड़ी सी प्याज में गार्निशिंग के लिए बाद में उठा लूंगी। चलिए फ्राई होने के बाद मिलती हूँ आपसे। आप लोग की ये फ्राई हो रही है, मैं निकाल लूंगी प्याज। इतनी मैं रहने दूंगी। लहसुन अदरक डालेंगे इसमें, ये देख सकते हैं। और ये जो चिकन है ये सारी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी। ये देखिए, और मैं दूसरे साइड पे मैदे को भून लूंगी। ये जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है मैं मैदे को कर लूंगी। ये मैदा लिया है मैंने, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसको मैं भूनूंगी, तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। चलिए थोड़ी सी चिकन गोल्डन होती है और ये मैदा भुनता है, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये देखिए भुन गया है, अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी, इसका घोल बना लूँगी मैं।
ये देखिए ये तैयार है। मैं कंटिन्यू चिकन को भून रही हूँ, गोल्डन सा कलर आ रहा है इसके अंदर। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, ये देख सकते हैं निहारी मसाला, ये मैं डाल दूंगी। 2 चम्मच लिए थे ये मैंने, और ये मैंने आपको बताया था 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, नमक लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, ये भी मैं इसमें सारा शामिल कर दूंगी। और ये जो निहारी मसाला मैंने बनाया है इसमें मैंने लिया है साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ सब मैंने 1-1 चम्मच लेकर, और जायफल, जावित्री, ये सब लेकर मैंने इसको पीस लिया है ग्राइंडर में ना। काली मिर्चें, बादियान का फूल और दालचीनी, लौंगे, इनको लेकर मैंने पीस लिया है, और उससे मसाला, ये निहारी मसाला बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा घर में। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इसको पकते हुए अब मैं इसके अंदर दही, ये जो दही और प्याज लिया है मैंने, इसको मैंने पेस्ट बना लिया इस तरीके से, फ्राई प्याज और दही को ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जल्दी से चम्मच चला दूंगी कहीं दही फट ना जाए। इसको मैं मजीद 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए हमारी निहारी बिल्कुल पक चुकी है। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, ये आटा जो मैंने इस तरीके से घोल बनाया हुआ था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आराम आराम से आहिस्ता से मैं चलाऊंगी और इसमें शामिल करूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर बनाकर रखा हुआ है, ये मैं निहारी जब भी बनाती हूँ इसे ज़रूर शामिल करती हूँ। 1/2 टीस्पून के करीब ये मैंने शामिल कर दिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब मैं मज़ीद इसको 1-2 मिनट के लिए और मैं इसको पकने के लिए रखूँगी ताकि आटे का जो कच्चा वो ख़त्म हो सके। डाला है इसके अंदर मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी, और ये जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमारा मैं इसको निहारी में शामिल कर दूंगी, देख सकते हैं। माँ बाप के लिए बराबर दुआ करते रहिए और उनके एहसानात को याद करके खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाइए और इंतहाई दिल सूजी और कल्बी जज्बात के साथ उनके लिए रहम व करम की दरख्वास्त कीजिए। खुदा का इरशाद है, वकुल रब्बिर हम हमार कमा रब्बी यानी सगीरा, और दुआ करो कि परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन दोनों ने बचपन में परवरिश फरमाई थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे कुछ न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।